देखें द प्रोसेस इट सेल्फ जो वन सम जो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि फीमेल को टू वीक्स हार्मोन इंजेक्शन लगते हैं जब वो फॉलिकल्स रेडी हो जाते हैं अल्ट्रासाउंड में हमें नज़र आता है कि इनफ एग्स हमें मिल जाएंगे फिर वो फीमेल का डिसाइड होता है कि ओसाइड पिकअप होगा यानी प्रोसीजर होगा इसके थ्रू एग्स हम रिट्रीव कर लेंगे लैब में वो एक दिन में ही वो प्रोसीजर इट सेल्फ इज जस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स एनसीजा में हम एग्स ले लेते हैं वंस वी हैव द एग्स उसी दिन मेल आके अपना सीवन सैंपल देते हैं उसी दिन सीवन सैंपल का प्रोसेसिंग होती है और विद इन फोर आवर्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ़ द एग पिकअप हम उसकी hmm. फर्टिलाइजेशन कर देते हैं okay. यानी हम एग्स और स्पर्म को विद इन फोर आवर्स जब हमने एग्स लिए हैं फीमेल से उसको हम फर्टिलाइज़ कर देंगे अगले दिन हमें पता चलेगा कि वो जो एग्स जिसमें हमने स्पर्म डाले हैं रात के इधर वो आई से या एक्सी से इधर हुए अगले दिन हमें पता चलेगा उनमें से फर्टिलाइज कितने हुए हैं यानी जो एग्स और स्पर्म को हमने कंबाइन किया है उनके एम्ब्रोज कितने बने हैं फिर उन एम्ब्रोज को हम फाइव डेज तक ग्रो करते हैं फिर फिफ्थ डे पे हम डिस डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ़ द एम्ब्रियो कि हम उस उन एमरोज़ को ट्रांसफ़र करें या फ्रीज़ करें फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम एमरोज़ को फ़्रीज़ कर दें वजह उसकी ये होती है कि टू वीक्स जैसे मैंने आपको कहा कि फ़ीमेल को इंजेक्शन लगते हैं तो जो बॉडी के इंटरनल हॉर्मोन्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं तो है। so, अगर जब हम एम्ब्रोज़ को फ्रीज़ कर देते हैं फिर टू मंथ्स वेट करते हैं और टू मंथ्स के बाद फिर ट्रांसफ़र करते हैं वापस फ़ीमेल में वो टू मंथ्स में बॉडी के हॉर्मोन्स वापस बेसलाइन पे आ जाते हैं फ्रीजिंग okay. इट का अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव होगी अपू नाइनटी फाइव परसेंट एमरो का सर्वाइवल होता है सिर्फ फ़ाइव परसेंट चांस होता है कि एमरो फ्रीजिंग प्रोसेस से सर्वाइव नहीं करेगा okay. इसलिए हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है हम फ्रीज़ कर दें तो प्रोसेस इट सेल्फ फाइव डेज का होता है लेकिन उसके बाद अगर हम एमरो फ्रीज़ कर दें टू मंथ्स के बाद फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं